छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इसी बीच में हम अगर बात करें सराईपाली विधानसभा की, तो सराईपाली विधानसभा की राजनीति में एक भूचाल सा गया, क्योंकि मौजूदा विधायक किस्मत लाल नंद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ लिया है, उन्होंने जनता जोगी का दामन थाम लिया और हमारे साथ सीधे सराईपाली के विधायक हैं किस्मत लाल नंद, वो मौजूद हैं। और विधायक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी आन पड़ी कि आपने कांग्रेस छोड़ा है और जोगी कांग्रेस में प्रवेश किया? देखिए, 2018 में जब मैं DSP था, DSP के पद को VRS लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी को टिकट मांगा, कांग्रेस पार्टी ने मुझको टिकट दिया था। लेकिन 2023 में कौन सी ऐसी बात आई जिसमें अचानक मेरा टिकट काट दिया गया? मैंने चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2018 में 52,000 मतों से हराया था। क्षेत्र में मैंने इतना विकास किया जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़कें मैंने बनवाया। सड़कों के बारे में अगर गिनाऊँ तो सराईपाली से जो बड़े साझापाली मार्ग है ये 68 करोड़ का मार्ग है। अभी झिलमिला से छोटे साझापाली का सड़क है वो 21 करोड़ का बन रहा है। आज़ादी के बाद से जो चिवराकुटा से डोंगर रक्षा का रोड आप देखेंगे जो 9 करोड़ का बना हुआ है। कुल मिला के सारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का मैंने जाल बिछाया। भौरपुर में कॉलेज स्कूल खोला गया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोला गया और जनता में मेरा इतना अच्छा जनसंपर्क भी था 5 साल तक। आधी रात को कोई टेलीफोन करे तो मैं उसको उठाता था, उसकी समस्या को सॉल्व करता था। लेकिन अचानक से जब टिकट काटी गई तो मेरे समर्थकों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई और उनकी मेरे मतदाता कई लोग मेरे से पूछते थे कि जो कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया है हम उसको भी वोट नहीं देंगे और भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया है हम उसको ही वोट नहीं देंगे, तो आप बताइए कि हम किसको वोट दें। तो मैं मतदाताओं की भावनाओं को और मेरे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कदर करते हुए मैंने जनता जोगी कांग्रेस में प्रवेश लिया और आज माननीय अमित जोगी जी ने मुझको सराईपाली का विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं आशा करता हूं और मैं सारे मेरे कार्यकर्ता मेरे मतदाताओं से मेरा अपील है कि वो एक बार जनता कांग्रेस में हल चलाता हुआ किसान को वोट देकर प्रचंड बहुमत से मुझको विजयी बनाए। विधायक जी, निश्चित तौर पर आपके अगर विकास कार्यों की बात किया तो आपने कई सारे विकास कार्य सराईपाली विधानसभा में किए हैं। आपका कोरोना काल भी लोगों को आज भी याद है, कोरोना काल में जो आप लोगों के साथ जिस प्रकार से आपने काम किया था, कहीं ना कहीं ये भीड़ उसी का एक परिणाम है कि आज आपके साथ अभी भी कई कार्यकर्ता कई समर्थक आपके साथ मौजूद हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिस समय कोरोना में 2020-21 में जो कोरोना काल चला उस समय आप देखे होंगे कि पूरा हिंदुस्तान में लोग घरों के ताले दरवाजे बंद करके लोग अंदर रह रहे थे, उस वक्त मैंने आम मदद किया, आम बाहर निकला मैं और बाहर निकल के लोगों में सूखा राशन बांटा, लोगों को जहां ज़रूरत पड़ी वहां पे मैं सामान पहुंचाया, जहां सब्जी की ज़रूरत है मैं सब्ज़ी पहुंचाया और लोगों से मैं मिलता जुलता रहा और अंत में एक स्थिति ऐसे आई कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से वो जो जनता ने जो मेरी सेवाओं को देखा है, मेरे काम को जो लोग देखे हैं, वो आज मेरे से आज जाके जुड़ रहे हैं और ये उसी का परिणाम है जिसके वजह से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है कि आपने जोगी कांग्रेस प्रवेश किया है तो इसका फायदा BJP को मिलेगा या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या लगता है? नहीं, इसमें कांग्रेस को तो पूरी तरह नुकसान है क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जितने भी चहेते विधायक थे सारे विधायकों की टिकट को काट दिया गया है और जीतने वाले प्रत्याशियों के सारे टिकट काट दिया गया और इससे निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो BJP को इसका फायदा मिल सकता है क्या? नहीं, BJP को भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। अभी जो भी सरकार बनेगा वो मिली जुली बनेगा। जिस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से खेला गया है सरकार के द्वारा, किसानों को कर्जा माफी करने की बात कही गई है, इसको कैसे मानते हैं? क्या एक बार फिर से लोग उस पर भरोसा करेंगे और किसान कांग्रेस के सपोर्ट में आएंगे? देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, जब मुख्यमंत्री जी को ये बताया गया कि मुख्यमंत्री जी आप इस बात को समझ नहीं पाए, आपके सारे जीतने वाले प्रत्याशियों की टिकट काट दिया गया है, तब मुख्यमंत्री जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने शक्ति में फिर अचानक एक ब्रह्मास्त्र चलाया कि सारा अल्पकालीन ऋण कर्ज को मैं माफ़ करूँगा। लेकिन इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसान कितने हैं, किसानों से सबसे ज़्यादा संख्या गरीबों की है जिनके पास भूमि नहीं है। तो वो भूमिहीन ये सोचेगा कि आप ठीक है किसानों का कर्जा माफ़ करोगे, लेकिन भूमिहीन को क्या देंगे वो? तो भूमिहीन जितने हैं, गरीब जितने हैं, वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको मालूम है कि ये कर्जा माफ सिर्फ किसानों का होगा जिन्होंने बैंक से ऋण लिया है, तो कर्जा माफी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है कि भूमिहीन और जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो जोगी कांग्रेस के साथ में चलेगी, क्योंकि आपके द्वारा भी कई ऐसे वादे भी किए गए हैं गरीबों के लिए, क्या लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा या फिर आपके साथ चलना चाहेंगे लोग? जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो छोटे तबके के किसान हैं, वो सब हमारे जनता जोगी कांग्रेस के साथ में वोट करेंगे, क्योंकि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम लोग उसको भरपूर सहयोग करेंगे। उसमें हमारा घोषणा पत्र अभी आने वाला है, आएगा तो उसमें पूरा छत्तीसगढ़ को पता लगेगा। अगर जातिगत अगर समीकरण की अगर बात किया है तो सराईपाली में गाढ़ा बाहुल्य भी समाज है, बहुत कई गाढ़ा समाज के यहाँ लोग निवास रहते हैं। हाल ही में जो कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है वे भी गाढ़ा समाज से हैं, तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में समाज किनको अपना प्रतिनिधित्व मानेगी, किनके साथ चलना उनको चाहिए और किनके साथ वो चलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने गाढ़ा समाज के जिस प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है वो अपने आप को चौहान सेना के अध्यक्ष मानती है, और चौहान सेना का हमारे गाढ़ा समाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी कार्यक्रम कराते थे उसमें गाढ़ा समाज के कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता नहीं था, ना ही गाढ़ा समाज को आमंत्रित करते थे, तो गाढ़ा समाज में उसका उतना असर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे यहाँ सराई पाली विधानसभा क्षेत्र के जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिनको गाढ़ा समाज का प्रतिनिधित्व समझ करके जिनको सराई पाली विधानसभा से कांग्रेस से टिकट दिया है, उनका उस समाज में प्रभाव कम दिखेगा, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो सराई पाली के जो विधायक हैं किस्मत अलग, उनको चुनाव में उनको ये विजय हासिल होगी।